हम लोग ऑस्टर्ड का नियम देखे थे पिछले क्लास में। अब हम लोग उससे आगे फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए उसके बाद जो टॉपिक है टॉपिक देते हैं। टॉपिक देंगे चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। गतिशील आवेश पर बल ये टॉपिक्स है। अब इस टॉपिक्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं या फिर इसको कैसे समझेंगे क्या है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एरो देंगे। लिखेंगे जब किसी विद्युत आवेश छोटा क्यू को जब किसी विद्युत आवेश छोटा क्यू को एक विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेश पर लगने वाला बल आवेश पर लगने वाला बल एफ ई प्राप्त होता है। एफ ई वेक्टर प्राप्त होता है। एफ ई वेक्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट एरो देंगे सेकेंड एरो। उसमें लिखेंगे एफ ई का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात कैपिटल ई वेक्टर पर निर्भर करता है। कैपिटल ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पर निर्भर करता है। उसके नीचे लिखेंगे उसके नीचे अर्थात अर्थात एफ ई का वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन टू ई वेक्टर। क्यू का मतलब क्या? आवेश। ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एफ ई इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। जहां एफ ई क्या है? ये बल है जो कहां लग रहा है? विद्युत क्षेत्र में। यानी कि यहां पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। तो आप ये जो टॉपिक सीखे हैं ये तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल है और हम लोग तो विद्युतीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में ये बताया जा रहा है कि जैसे एक छोटा आवेश क्यू है, एक छोटा चार्ज क्यू है, अब उसको गतिशील किया जाए किसमें? तो विद्युत क्षेत्र में। जैसे मान लिया कि एक छोटा क्यू चार्ज है, जब इसको वेलोसिटी दिया जाए यानी कि जब इसको गतिशील किया जाए, लेकिन कहां पे गति कर रहा है? तो ई में। यानी कि बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे विद्युत क्षेत्र है, और जब इसमें ये गति करता है तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि जितना कूलम्ब का आवेश है जितना विद्युत क्षेत्र में रहेगा उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र में बल मिलेगा। ये तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़े थे, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यही प्रोसेस सेम प्रोसेस रहेगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में। यानी कि एक क्यू आवेश है, अब उसको गतिशील करना है यानी कि उसको दौड़ाना है। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ाना है। जैसे कि यहां विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित कर रहे थे, प्यारे छात्रों चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। कैपिटल बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का मतलब
कि करंट देने के वजह से उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कहलाएगा। लेकिन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या, हम लोग तो ऑस्टर्ड के नियम से पढ़े हैं, किसी भी वायर में किसी भी तार में अगर उसमें करंट दिया जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ऐसा किसने बताया, तो ऑस्टर्ड ने बताया। ऑस्टर्ड के प्रयोग भी हम लोग पिछले वीडियोज में पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग को ये पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्यू आवेश को गतिशील किया जाएगा तो हमें बल कितना होगा। जैसे कि प्यारे छात्रों यहाँ पे देख पा रहे हैं क्यू आवेश है तो वहां भी क्यू आवेश ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ हम लोग उसको दौड़ा रहे हैं, उसको गतिशील कर रहे हैं किस क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र ई में। लेकिन अब हम लोग काम क्या करेंगे, इसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि बी वेक्टर में गतिशील करेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोग को उस पर बल कितना आएगा। चलिए, तो जैसे कि यहाँ एफ ई का मतलब विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए एफ एम का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम लोग डिनोशन सीखेंगे, डिनोट्स किससे किससे क्या समझेंगे, तो उसके नीचे एरो लेंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, नेक्स्ट एरो में चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी वेक्टर से सूचित किया जाता है, कैपिटल बी वेक्टर से सूचित किया जाता है उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे किसी आवेश Q को, किसी आवेश Q को छोटा Q, किसी आवेश छोटा Q को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो, गतिशील किया जाए तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल एफ एम का वेक्टर, ऐसे एफ एम का वेक्टर होता है, एफ एम का वेक्टर होता है। चलिए, अब इसको समझने के लिए कुछ हम लोग फिगर आउट बनाएंगे। प्यारे छात्रों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस बार उसी क्यू आवेश को हम लोग कहां दौड़ा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में। जैसे मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, ये सब है क्या, ये सब है चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है, बी वेक्टर है, सभी बी वेक्टर है। अब इसमें मान लिया कि एक चार्ज है, अब यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, चाहे कोई भी चार्ज है, यहां पे मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है, एक छोटा आवेश है, अब इसको दौड़ाना है बी वेलोसिटी में, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन किस वेग से, तो हम इसको मान रहे हैं कि इसको भी वेग से दौड़ा रहे हैं, भी वेग से। तो दोस्त इसमें जो किया जाता है घटक तोड़ा जाता है, जैसे मान लिया कि Q आवेश है, ये तो B है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसका मान लेते हैं कि एक घटक तोड़ते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो मान लिया जाए कि ये भी N है, N का मतलब ये है वेग का घटक, वेग का घटक। याद रहे दोस्तों, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग वेग का कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात रहा रहेगा तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा कि आखिर जो क्यू आवेश को दौड़ा रहे थे उसको क्यू किस वेग से दौड़ा रहे थे, कितना वेलोसिटी से वो क्यू आवेश दौड़ रहा था, कितना से गतिशील था,
किस में लेते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र में इसका जिक्र नहीं करते हैं। तो जब इसका कंपोनेंट Vn है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया कि ये वेलोसिटी है तो मूव करते करते, जैसे मान लिया कि अगर वेलोसिटी इधर है, अगर हम उसको थीटा पे वेलोसिटी देते, कंपोनेंट देते, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जिधर थीटा रहता है उधर टूटता है v cos थीटा, और जिधर नहीं रहता है उधर टूटता क्या, v sin थीटा, v sin थीटा इधर टूटता। अच्छा, अब हम लोग को वेग है और चुंबकीय क्षेत्र है, तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र अगर रहेगा तो हम लोग इसका जो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा उसका भी ज्ञात करने का दो नियम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अगर ये वेलोसिटी है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे मान लिया कि अगर क्यू आवेश है, क्यू आवेश को ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लिया क्यू आवेश है, अब उसको चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील किया आपने, तो यहां तो हम लोग घटक के तौर पे तोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल होगा, मतलब कि एफएम निकालने के लिए दो नियम है, एक है दक्षिण हस्त नियम और एक स्क्रू का नियम, इसको ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको काम करते हैं कि कैसे होगा। अगर मान लिया कि ये दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे तो ये वी वेलोसिटी है, इसको अगर दक्षिण हस्त नियम यही बोलता है कि जिधर वेलोसिटी है उसको इधर रख लीजिए और बी की तरफ मोड़िए, तो बी की तरफ मोड़ेंगे तो अंगूठा का जो दिशा बताएगा वो चुंबकीय बल की दिशा बताएगा, यानी कि एफएम। अगर मान लिया कि वेलोसिटी ये है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मोड़ेंगे तो ऊपर की ओर बता रहा है। अगर मान लिया रहता कि अगर वेलोसिटी इधर रहता और चुंबकीय क्षेत्र इधर रहता तो हम लोग को ऊपर बताता। तो टोटल मिलाकर ये जो मेरे को एफएम का दिशा बता रहा है, कैसे बता रहा है, सीधा ये और ये, इसका मतलब है कि हमारे तरफ एफएम बता रहा है, एफएम हमारे तरफ, इसका मतलब कि इसमें थोड़ा इसको ऐसा कीजिए कि इसको जेड एक्सिस में बनाइए, ये इसको हम अगर नीचे बना रहे हैं वाई एक्सिस में तो एफएम का दिशा मेरे तरफ आ रहा है, जिसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा तिरछा बनाइए जेड एक्सिस में। ऐसा मान लीजिए कि ये जो Vn का कंपोनेंट है बिल्कुल 90 डिग्री पे है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं ना x एक्सिस और z एक्सिस, तो ये वाला जो तिरछा होता है ये भी 90 डिग्री पे ही होता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो यहाँ पे जो हम लोग अगर नीचे बना रहे थे तो आप देख पा रहे हैं, नीचे बना रहे थे तो हम लोग का क्या आ रहा था, एफएम का दिशा अंगूठा बताता है, तो हमारे तरफ आ रहा था, इसलिए उसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिगर को थोड़ा सा तिरछा बना लीजिएगा। हालांकि ये किस एक्सिस में बता रहा है, जेड एक्सिस को बता रहा है, एकदम नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा कि इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का है और हम इसलिए इसको बोल रहे हैं वी साइन थीटा। तो कुल मिलाकर अगर अब हो गया कैसे, तो जेड एक्सिस मतलब ऐसे, अब इसको अगर हम लोग बी की ओर मुड़ रहे हैं तो ऊपर की ओर आ रहा है, इसीलिए हम इसको चेंज किए, तो आप भी चेंज कर लीजिएगा फिगर में, क्योंकि अगर नीचे बनाइएगा तो आपके तरफ आएगा क्या, चुंबकीय बल की दिशा, जिसको हम लोग यहां पे दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि 3D बन जाएगा, इसलिए क्यों ना हम इसी को 3D में बनाएं, यानी कि जेड एक्सिस में आप Vn को ही रखिए। तो ऐसा करने से Vn रखेंगे तो अगर इसको मोड़ेंगे तो ऊपर की ओर आएगा, इट मीन्स ये मेरा हुआ कौन सा, ये मेरा हुआ FM की दिशा। तो टोटल मिलाकर उसके नीचे का ये फिगर बना लेंगे कि ये इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर क्यू आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से दौड़ाया जाए तो हमें एफएम का दिशा किधर प्राप्त होगा। हालांकि चुंबकीय बल का दिशा प्राप्त करने के लिए भी हम दो नियम पढ़ने वाले हैं। तो अब यहां से हमको ये मिला कि उसके नीचे फिगर के नीचे लिखिएगा कि एफएम इज इक्वल टू क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर v sin थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट है, इसको cos को नहीं लेते हैं क्योंकि cos तो थीटा से लगा हुआ है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं q v sin थीटा
इंटू में ई क्या बी, तो टोटल मिलाकर क्यू वी साइन थीटा बी प्राप्त हुआ। अच्छा हम इसी को लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू, एफ एम का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र में बल, यानी चुंबकीय बल इसको बोल सकते हैं। इसको कौन सा बल बोल सकते हैं, चुंबकीय बल, एफ एम वेक्टर। अब यहां पे अगर Q को आगे करेंगे तो यहां क्या बनेगा, भी बी साइन थीटा, भी बी साइन थीटा। इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू और भी बी साइन थीटा को भी क्रॉस बी लिखते हैं। तो टोटल मिलाकर हमें यह पता चला कि अगर कोई छोटा क्यू आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में अगर दौड़ाया जाए, गतिशील किया जाए, तो चुंबकीय बल कितना निकलता है, तो क्यू भी क्रॉस बी। प्यारे छात्रों यहां पे हमको पता होना चाहिए कि बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और भी का मतलब क्या, वी का मतलब वेग, और क्यू का मतलब तो समझ रहे हैं आवेश, और एफ एम का मतलब चुंबकीय बल। तो टोटल अगर हमसे कोई बात पूछा जाएगा तो यहां भी का कभी भी विभव नहीं बोलना है, यहां भी का मतलब वेग होता है कि अगर क्यू आवेश को कितना वेग से अगर गतिशील कराएंगे तो वो एफ एम कितना देगा, ये हमें उसका वैल्यू देता है। अच्छा अभी तो हम लोग फार्मूला पढ़े कि एफ एम का वैल्यू क्या होता है, तो क्यू भी क्रॉस बी, थोड़ा सा गलती हो रहा है, इसके ऊपर वेक्टर दे दीजिएगा, भी क्रॉस बी वेक्टर। चलिए अब उसके नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल ब्रैकेट में एफ एम वेक्टर, ये ना चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल एफ एम की दिशा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं, ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। पहला अस्क्रू नियम, पहला का नाम है अस्क्रू नियम, अस्क्रू नियम। दूसरा दक्षिण हस्त नियम, दूसरा दक्षिण हस्त नियम लिखने आएगा, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। तो चलिए अब हम लोग काम करने वाले हैं कि चुंबकीय बल, यानी कि चुंबकीय बल आखिर क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि चुंबकीय बल क्या है, तो हम यही बताएंगे कि अगर कोई आवेश क्यों रहेगा, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करेंगे, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, जो हमें परिणाम मिलेगा, वो चुंबकीय बल कहलाता है। और चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या, तो क्यू और भी क्रॉस बी। अब हम लोग को चुंबकीय बल अगर निकालना होगा तो इसके लिए दो नियम है, पहला स्क्रू का नियम और दूसरा दक्षिण हस्त का नियम। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्क्रू नियम को समझते हैं, स्क्रू नियम। तो अब छोटा सा पॉइंट देंगे कि स्क्रू का नियम क्या है, स्क्रू का नियम या फिर स्क्रू नियम। सबसे पहले स्क्रू नियम को समझने के लिए हम लोग तो देखे ही होंगे कि जो खिड़की वगैरह में स्क्रू से कसा जाता है, इट मींस ऐसे फिगर बना लीजिएगा स्क्रू नियम वाला, ये स्क्रू है और इस स्क्रू को आप अच्छा से देखिएगा, ये कटिंग की आवश्यकता है ताकि वो अंदर तक जाए,
ये स्क्रू है जिसको हम लोग कसते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब उसको हम कसते हैं, जैसे मान लिया कि ये स्क्रू है और इसको हम लोग ऐसे 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 कसते हैं तो ये अंदर जाता है। जैसे मान लिया कि ये स्क्रू है और यहाँ पे उसको कसने वाला छिद्र है, तो इसको हम लोग कसते हैं तो ये जैसे जैसे उसको घुमाते हैं तो वो आगे भी वेलोसिटी से जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर इसको वी वेलोसिटी देंगे, यानी कि इसको अगर वी वेलोसिटी दे रहे हैं और बी के तरफ, यानी कि ये वी क्या है, वेग, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर उसको भी वेलोसिटी से, जैसे मान लिया कि उसको घुमाना है किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, ऐसे ऐसे आगे की ओर भाग रहे हैं, तो जैसे अगर इसको घुमा के अगर कसेंगे तो एक भी वेलोसिटी है और किधर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तो जो आगे की ओर बताएगा वो क्या बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि FM। तो एक स्क्रू का नियम बताता है। तो स्क्रू का नियम में आप फिगर को बिल्कुल अच्छे से बनाइए, इसका कोई पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ आप इसका फिगर से ही समझ सकते हैं कि भी से अगर बी की ओर इसको घुमाया जाए, या अगर मान लिया जाए कि वी वेलोसिटी से बी की ओर इसको घुमाया जाए तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, स्क्रू आगे की ओर बढ़ेगा, और आगे की ओर बढ़ेगा इसका मतलब क्या, उसका चुंबकीय क्षेत्र FM उसी दिशा में होगा जिधर स्क्रू आगे बढ़ेगा। चलिए इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम से आपको पता चल रहा है, दक्षिण हस्त का मतलब कोई दिशा नहीं बता रहा है, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर नहीं समझना है। दक्षिण का मतलब होता है दाहिना हाथ, हस्त मतलब हाथ, दक्षिण हस्त का मतलब होता है दाहिने हाथ। तो दाहिने हाथ का हम पहले इसमें कुछ फिगर आउट बना देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो। फिगर क्लियर नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो चलिए अब दक्षिण हस्त का नियम आपको पता करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ को लेना है। दाहिने हाथ में जो बाकी की चार अंगुलियां हैं, बाकी की चार अंगुलियां हैं, उसको भी वेलोसिटी से, यानी कि भी वेग से, फटाक से बी की ओर मोड़ना है। अगर मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, जैसे कि दिखा देते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है और ये एक वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है। सपोज दैट ये एक वायर है जिसमें आई करंट पास हो रहा है, तो आई करंट पास हो रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी भी है यहां पे, क्योंकि हम लोग ऑस्टर्ड के नियम से प्रयोग से देखे थे कि अगर किसी भी वायर में अगर करंट दिया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय का गुण ऑलरेडी आ जाता है। तो यहां पे अगर किसी भी वायर में अगर करंट दे रहे हैं तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र आ जा रहा है। अब अगर भी वेलोसिटी से, जैसे मान लिया कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें
वी वेलोसिटी से, अगर वी वेलोसिटी कैसे देना है, अगर मान लिया रहेगा ऊपर वी वेलोसिटी रहेगा, तो वी वेलोसिटी से वी के तरफ रखना है अपने चारों उंगुलियां, जिधर वी रहेगा उधर चारों उंगुलियां रखना है और इसको मुड़ना है। तो हम लोग तो मुड़ तो सकते हैं इधर से, ऐसे तो मुड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए जब वी की तरफ आप मोड़ेंगे तो जो अंगूठा बताता है वो क्या कहता है, वो कहलाता है एफएम का दिशा। इट मीन्स कि जब हम लोग इसको इधर से इधर मोड़ेंगे तो जो आगे की ओर बताएगा वो बताता है एफएम का दिशा। यानी कि सबसे पहले जिस वेग से घुमाना है वी के तरफ आप चारों उंगुली को रख लीजिए और जिधर वी है उसके तरफ घुमाइए, और जिधर फिर जैसे मान लिया कि अगर ये वी है और ये बी है, तो अब अगर मान लिया जाए कि ये वी है और ये बी है तो हम लोग कैसे घुमा सकते हैं, ऐसे ही तो घुमा सकते हैं, क्योंकि अगर इधर से रहेगा तो बी की तरफ तो ऐसे घुमा नहीं सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर ऐसा करते हैं कि भी ए है और ये बी है तो हम इसको चारों तरफ से ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे, तो नहीं, जो शॉर्ट रास्ता पड़ेगा उधर से घुमाना है। ये वी है और ये बी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भी को बी की तरफ घुमाने के लिए इसका अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर मान लिया कि ऐसे रहेगा, इधर भी है इधर बी है, तो हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो हमारे तरफ आएगा एफएम का दिशा। तो ये है दक्षिण हस्त नियम। तो इसमें फिगर बना लेना है और इसमें कुछ बात लिखना है। लिखेंगे यदि दाहिने हाथ की, पहले फिगर बना लेंगे, फिगर के नीचे लिखेंगे यदि दाहिने हाथ की चार अंगुलियां ब्रैकेट में अंगूठा को छोड़कर भी से बी की ओर मुड़ी जाए तो, भी से बी की ओर मुड़ी जाए तो, भी से बी की ओर मुड़ी जाए तो अंगूठा एफएम की दिशा को, एफएम कैसे लिखते हैं ऐसे, अंगूठा एफएम की दिशा को बतलाता है, एफएम की दिशा को बतलाता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल कितना मौजूद होता है। तो आज यही तक एंड करते हैं हम लोग, और फिर अगले क्लास में, अगले वीडियोज में हम यहां से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।